गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। और परमात्मा कहते हैं वो इतने दयालु हैं, उनको पता है कि यू नालायक फिर रह गए यहीं पर, फिर शुरुआत करते हैं उसको समझाने और बुझाने की। इसी प्रकार ये वीर देव सिंह बघेल उन्हीं पुण्यात्माओं में था जो कभी इस सतयुग के इस बिचली पीढ़ी के समय में भक्ति करता करता रह गया, और फिर तो हजारों युगों तक ऊपर ही रखता ये काल, नीचे पंजे नहीं टिकने देता, क्योंकि यहीं आके भक्ति बने, बाकी तो ऊपर अपना कमाई खानी खानी है, बर्बाद करनी ना समझ पाओ, क्योंकि भाई इसने इतने नकली चोचले बना रखे हैं, भूल भलैया कर रखी है, इंद्र जाल कहते हैं जिसको, इंद्र जाल बना रखे हैं वहां पर। तो ये फिर यही ठहरते हैं परमात्मा को, यही पकड़ते हैं दयालु, फिर आते हैं उनके निकट। उससे पहले काल इतना ज्ञान भरवा देता नकली संतों से कि हमारे पिता ने हमारे निकट आने में भी बहुत समय लगता है, बहुत प्रयत्न करना पड़ता है अपने को अपने के पास आने के लिए। वीर देव सिंह बघेल धार्मिक व्यक्ति था, क्योंकि पिछले जन्म का पुण्यकर्मी प्राणी था, सतगुरु की शरण में रहा था जैसे इस पिछली पीढ़ी में। अपने आत्माओं एक बार भी जो हंस इस नाम को ले लेगा परमात्मा वाले को, ठीक है वो नहीं गया, फिर उसने छोड़ा नहीं भगवान, ठीक है वो यहाँ वापस रह गया तो समय तो लग फिर बढ़ गया, पता नहीं कितनी बार गधा बनेगा, कितनी बार कुत्ता बनेगा, सूअर बनेगा, फिर कभी मनुष्य जीवन मिलेगा, जब परमात्मा दया बख्शेंगे वो समय कब आएगा, कितने युगों के बाद आएगा, ये पीक टाइम जो प्राइम टाइम अब आ रहा है, और इसमें जो आपको अवसर मिला है ये तो असंख्य युगों के बाद आपका दाव लग गया है। और इसमें चूकी और मतियों को बालकों के गीत नहीं है, डूम भाट के गीत नहीं है, गॉड गिवन ज्ञान है परमात्मा बताया हुआ है। कबीर साहब कहते हैं गोता मारू स्वर्ग में जा बैठू पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोतीलाल। वीर देव सिंह बघेल राजा बना, अपने पुनों से परमात्मा के साथ रहकर कभी इतने पुण्य किए थे जैसे आप जी आ रहे हो, पाठ कराते हो, दान करते हो, तो ये कोई छोटी बात नहीं है, इसका बताने कितना गुणा आपको मिलेगा यहाँ किया हुआ दान। यहाँ पर वो यथार्थ स्थान है कि सुपात्र को दिया हुआ दान फलता है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चे पूछो वेद प्राण। अभी तक कोई गुरु ही नहीं था, या तो परमात्मा आए थे स्वयं, और या बीच में जो महापुरुष हुए थे जिनको मालिक मिले, पांच छह महापुरुष हैं, उनको छोड़कर आज वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में गुरु नहीं है, चाहे सतगुरु कहो चाहे गुरु कहो। तो यहाँ किया हुआ दान आपको बहुत गुणा फल देगा, यहाँ भी सुख देगा, और फिर चलोगे जब यहाँ से उसमें बड़ा सहयोग मिलेगा, और नाम की कमाई वो अलग से रहेगी। तो ऐसे परमात्मा दयालु उस प्यारी आत्मा वीर सिंह बघेल के लिए भटक रहे थे। एक दिन उस वीर देव सिंह बघेल ने अपने बाग में, जो उसकी उसका रेजिडेंस भी उसी बाग में था, उसके दूसरे किनारे पर अलग से स्थान बना रखा था साधु संत फकीरों के रुकने का, और वहीं वो उनसे अनुष्ठान कराया करते थे जैसे सत्संग करा लेते हैं, 10-20 भगत संत बुला कर सत्संग कराते थे जैसे पहले बगैर ज्ञान के सभी ऐसे लकीर पीट रहे थे। ऐसे उसने सत्संग का जो समय निर्धारित कर रखा था, साधु संत आगे वहाँ सत्संग कर रहे थे, श्रोता बैठे थे, क्योंकि राजा सत्संग करावा तो आम आदमी चला जाता है, वहाँ पर बहुत से श्रोता भी बैठे थे, और ये राजा लोग केवल एक फॉर्मेलिटी करते हैं, जैसे बुला लेंगे किसी ने भाई हमारे पाठ कर दिए, और वो पाठ कर देगा पंडित जी बैठ के एक
अलग से कमरे में, राजा लोग सैर सपट्टे को घूमते रहते हैं, वो करें जाओ पाठ। ऐसे वो सत्संग करा रहे थे, वो सत्संग कर रहे थे, राजा अपने महल में विश्राम कर रहा था। अब परमात्मा कबीर जी पहुंचे वहां पर एक सिंपल से वेश में, भगत के वेश में। तो वो संत कैसे हैं, लाल पीले कपड़े पहन रहे होते, माला मुला डाल रखी होती, तिलक विलक लगा रखे होते हैं, वो संत वेशभूषा मानी जाती थी। तो वो संत बैठे, अलग आसन दे रखा जो सत्संग करने आ रहे थे, श्रोता अलग बैठे थे, परमात्मा उन श्रोताओं में बैठ गए एक दास की तरह, श्रोता की तरह। उन्होंने सत्संग फरमाया, श्री विष्णु जी की महिमा गाई, श्री कृष्ण जी की, श्री राम की, ये सर्वेश्वर हैं, ये नारायण हैं, शेष नाग पर सैन करते हैं, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, ये अजर अमर हैं, अविनाशी हैं, ऐसा सत्संग कर रहे थे, सब सुन रहे थे, सब बड़े मस्ती में थे। परमात्मा ने प्रेरणा करी एक संत को, उन्हीं में बैठे थे जो वह नकली, उसने कबीर साहब को देख रखा था कहीं सत्संग करते हुए। तो संत ने कहा परमात्मा से कि भक्त आप भी तो सत्संग फरमाते हो, कृपा आप भी सुनाओ कुछ। कबीर साहब ने कहा कि आप जी ने सारा कुछ तो सुना दिया, अब सूर्य को दीपक क्या दिखाऊं मैं, आपने सारा कुछ ही ज्ञान बता दिया। फिर भी सब कहने लगे नहीं नहीं कुछ तो सुनाओ, जब आप सुनाते हो सुनाओ, प्रसाद दो ये। परमात्मा बोले मैं जो सुनाऊंगा वो तुम सहन नहीं कर सकते, तुम बिदक जाओगे। तुम मेरे साथ झगड़ा ठानोगे। साधु संत कहने लगे नहीं नहीं हम झगड़ा क्यों ठानेंगे, उन्हें क्या पता था तेरी जड़ निकाल लेंगे। उन्हें सोची यो राम कृष्ण की सुना देते होंगे, हनुमान की सुना देगा, और कोई बेलड़ी और राम की कथा सुना देगा, उन्हें तो ये सोचा था। सब ने बार बार कहा तो परमात्मा बोले ले सुन लो तो दो बोल मेरे। क्या बताने लगे, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति, मेरे साथ दो भाई मोहे सब जग भूला पाया, मेरे साथ दो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिसने वेद सरसाया, इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिसने वेद सरसाया, वेद पढ़ियो पंडित भूला वो सार शब्द ना पाया, मेरे साथ दो भाई मन सब जग भूला पाया, मेरे साथ दो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में विष्णु भूला जिन वैष्णो पंथ चलाया, इसी भूल में विष्णु भूला जिन वैष्णो पंथ चलाया, तीर्थ व्रत का बड़ा महात्म बहुविध जीव फसाया, मेरे साथ दो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में शंकर भूला जिन भिक्षुक पंथ चलाया, इसी भूल में यु शंकर भूला जिन भिक्षुक पंथ चलाया, सिर पे जटा हाथ में खप्पर घर घर अलख जगाया, मेरे साथ दो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में भूले मच्छंदर जिन संगल दीप बसाया, इसी भूल में भूले मच्छंदर जिन संगल दीप बसाया, और विषय वासना के वश होके अपना योग नसाया, मेरे साथ दो भाई मन सब जग भूला पाया। इसी भूल में मोहम्मद भूला जिन नारायण मजब बनाया,
इसी भूल में मोहम्मद भूला जिन न्याराय मजब बनाया, पर तरिया सिंह फिरा भटकता लिंग और मूछ कटाया, मेरे साथ दो भाई सब जग वो भूला पाया। कह कबीर सुनो भाई साधो इस भूल का भेद न पाया, और जिन ने में लग गया यू भेद भूल का फिर वो गर्भवास न आया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। गगन में आग लगी बड़ भारी, गगन में आग लगी बड़ी भारी, यो ब्रह्मा मर गया रवि सुनु मर गया, यो शिव जी मरिया लटाधारी। इतना कंधे हो तो बेदक गए जैसे उबलते हुए तेल में छीट पानी के छीटे लग जा, क्या बकवास कर रहा है, चुप हो जा, तूने कि क्या बकवास सुना रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी मरते हैं, देखो झूठ बोलता है, ये करता। परमात्मा बोले मन कह तलन दो सारी, इसके ऊपर काफी वाद विवाद चल पड़ा। एक व्यक्ति ने जाकर के वीर सिंह बघेला को बता दिया कि महाराज एक सिर फिर आया हुआ है, ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में उठपटांग कह रहा है, वो तो पता नहीं मुसलमान है या कौन किस जाति का है, और उसने तो हलचल मचा दी है वहाँ पर। तो राजा ने एक नौकर भेजा सिपाही के, जाओ छड़ीदार लाओ बुलाकर, उसको यहाँ लाओ पकड़ के बुला के लाओ। वीरदेव सिंह बघेल इतना अवश्य महसूस करता था कि संत को से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, उसने कहा कि जाओ उसको बुला के लाओ। अब उसके साथ संत कोई गया था वो निंदा करने, उसके साथ एक छड़ीदार यानी सिपाही भेज दिया, और उसने जाके कहा कि चलो मिस्टर आपको राजा बुला रहा है। परमात्मा ने कहा भाई मेरा और राजा का के रिश्तेदारी है, मैं तो सत्संग सुनने आया था, इन कहा दो बात सुना दे, मैंने सुना दी, इन पर उठी नहीं, राजा को आवश्यकता हो ना यहाँ आ जाएगा, मुझे राजा की जरूरत नहीं। छड़ीदार वो सिपाही भी वापस आ गया, दो चार और नंदा चुगली करीब कहने लगे जो तेनों कहे राजा को जरूरत होती यहाँ जाए। अब राजा चला गुस्से में होकर कि ऐसा किसकी किसका दिमाग घूम गया, कौन ऐसी बकवास कर रहा है, अब इन जनसाधारण का के भी हो तो राजा के चाहे कुछ भी हो, चाहे पृथ्वी का पूरा राजा हो, अध्यात्म के सामने इनके सब के छक्के छूट जाते हैं, कोई वस्तु है नहीं है ये तो मालिक के सामने। अब जब राजा आ रहा था गुस्से में, वीर सिंह बघेल परमात्मा ने एक लीला करी, वहाँ बैठे थे उसी से जमीन से सवा हाथ ऊपर यानी इतने ऊंचे ऐसे उठ गए, जमीन से सवा हाथ ऊपर आसन रुक गया परमात्मा, और नीचे खाली कुछ नहीं, वहां बैठे केवल वीर देव सिंह बघेल को दिखाई देते, और को वो जमीन पर बैठे दिखाई देते। वीर सिंह ने पूछा कौन है कि ये बैठे, वो देखे तो जमीन पर कुछ है भी नहीं, यहां बैठे चरणों में गिर गया, लंबी दंडवत करी, जो पुण्यकर्मी प्राणी था एकदम, जब उसने दंडवत प्रणाम करी परमात्मा नीचे आ गए, बोल भाई क्या बात है कि महाराज आपका क्या विवाद है। उन परमात्मा ने बताया कि इन्होंने मुझे आग्रह किया कि कुछ सत्संग सुना दो, मैंने इनको मना किया था कि मेरे वचन तुमसे सहन नहीं होंगे, और तुम ठीक सुना रहे हो सुनाते रहो, इन्होंने ज़्यादा कहा तो मैंने अपना जो ज्ञान सुना दिया, वो इनके गले नहीं उतरिया। क्या क्या बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की ये भक्ति बताते हैं, और वेदों और गीता में लिखा कि तीनों गुण की जो भक्ति करते हैं वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये उल्टी पट्टी पढ़ा रहे तुम्हारे। अब आपको दिखाते हैं, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे। 600 वर्ष पहले परम पिता परमात्मा कबीर जी ने ये वचन बोले थे, जो आज हमारे सदग्रंथ प्रमाणित करते
कि इन तीनों गुण की भक्ति, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की भक्ति नहीं करनी चाहिए, इसे मोक्ष नहीं हो सकता। इसके साधना करने से आप, आपका स्वभाव बिगड़ जाता है, क्योंकि ये ना तो इस इनकी साधना से आपके कर्म दंड मोक्ष होते हैं और न ही कोई आपके भाग्य में परिवर्तन हो सकता है। जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा, फिर भक्ति का क्या फायदा। अब किसी की मृत्यु का समय आ गया या किसी को कोई हानि होनी है, टांग कटनी है, प्रारब्ध में लिखिए तो कटेगी वह। ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना से कोई बचाव नहीं, जान जानी हो जावेगी तो कबीर परमात्मा की शरण माने से वह टांग कटनी होगी, प्रारब्ध लिखा होगा तो नहीं कटेगी, एक गुट्ठा टूट कर आपका जीवन बच जाएगा। संत शरण में आणते आई टड़े वाला और जय मस्तिक में सूढ़ी होगा काटे बैठे। सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222 880541।